दोस्तों, रोहित शर्मा की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने श्रीलंका के खिलाफ खेले जा रहे 3 मैचों के वनडे सीरीज में दूसरा मैच 4 विकेट से अपने नाम कर लिया। इस मैच में जीत के साथ ही भारत ने सीरीज पर 2-0 से बढ़त हासिल कर ली है। बता दें कि 12 जनवरी को खेले गए दूसरे मुकाबले में कुलदीप यादव और केएल राहुल रियल हीरो बनकर उभरे। दोस्तों, मैच के बाद कप्तान रोहित शर्मा पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के दौरान काफी खुश नजर आए। उन्होंने इस दौरान क्या कहा, आइए जानते हैं। दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ खेले गए दूसरे वनडे मैच में 4 विकेट से मिली जीत के बाद टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने कहा, ये काफी नजदीकी मुकाबला था। अच्छी बात ये है कि हम विनिंग साइड पर खड़े हैं। टीम की बल्लेबाजी में गहराई है जो इस तरह के मुकाबलों में काम आती है। हाँ, जिस तरह की बल्लेबाजी आज केएल राहुल और हार्दिक ने की, वो काबिले तारीफ है। दोस्तों, कुलदीप यादव की तारीफ करते हुए कप्तान रोहित शर्मा ने कहा, कुलदीप बस आता है और अपना बेस्ट देता है। जैसा कि हमने देखा है कि कुलदीप आते हैं और विकेट हासिल करते हैं, एक गेंदबाज के रूप में वो कमाल के हैं और यह निश्चित रूप से टीम के लिए अच्छे संकेत हैं। दोस्तों, ऐसे ही क्रिकेट से रिलेटेड सभी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना।